Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the direct taxes semester 5 theory questions. These questions will be important for solving in the paper, as well as it will be also helpful for all the students for attempting the objective questions as concerned. So direct tax of semester 5 mein aapka pura direct tax ka jo syllabus hai uske upar ye sare questions dependent hai, aur ye sare questions agar aap dhyan se padhoge, iska theory अगर आप प्रॉपर पढ़ लोगे तो आपको जिसका बेनिफिट ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करने में भी होगा. तो इसके पहले मैंने कॉस्टिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दोनों के मैंने थियरी क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए हैं. अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक में उन दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और उस बेस पे आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. तो एक दूसरा वीडियो में भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, जैसे 30 डेज स्ट्रैटेजी टू स्कोर गुड परसेंटेज. तो आपका 30 डेज में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सिंस 1st of October से आपका टाइम टेबल है एग्जामिनेशन का, तो ओवरऑल 30 डेज में आप किस तरीके से प्रिपरेशंस करें वो भी हम एक वीडियो के तरफ से मेरे बेसिस पे आपको मैं वो वीडियो देने वाला हूँ. तो संडे को वो वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो को ध्यान से देखें और उस बेस पे अपना स्ट्रैटेजी आप बिल्टअप कर सकते हैं. सो डायरेक्ट टैक्सेस में जो थियरी क्वेश्चन है वो सारे के सारे बेसिक्स पे आते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स भी सारे के सारे बेसिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं. तो सिंस इट इज एन अप्लाइड कंपोनेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट नहीं होगा. जिन लोगों ने डायरेक्ट टैक्सेस एज एन अप्लाइड कंपोनेंट लिया है वही लोग इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये जो मेरे क्वेश्चंस है वो आप देख सकते हैं. द डायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 5 थियरी क्वेश्चन आर हियर. सो आई हैव गिवन ऑल द क्वेश्चन इन दी शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट, सो दैट ये शॉर्ट नोट से आपके जो 10-10 मार्क के दो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में शॉर्ट नोट आएगा, और शॉर्ट नोट में आपके टोटल 6 शॉर्ट नोट्स दिए होंगे. 6 में से वी हैव टू आंसर एनी 4, एंड वी हैव 2 क्वेश्चन इन द ऑप्शन, एंड 5 मार्क्स ईच विल बी योर शॉर्ट नोट. तो डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ना, बिकॉज हर साल आपको शॉर्ट नोट में एक तो भी डेफिनेशन पूछा जाएगा. अब लास्ट ईयर के पेपर में जैसे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो देर आर टू मोर डेफिनेशन जो इस साल आने के चांसेस बढ़ सकते हैं. वो है एक इनकम का डेफिनेशन और दूसरा है पर्सन का डेफिनेशन. तो आप चारों डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ ले, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इनकम एंड पर्सन. अगर आप चारों डेफिनेशंस को कवर कर लोगे तो इसमें से कोई भी डेफिनेशन आए दैट विल बी इजी फॉर यू टू राइट इन द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट इज टैक्सेबल परक्विजिट्स, ये आपको सैलरी चैप्टर में मिलेगा. सेक्शन 17 के बेस पे परक्विजिट्स है, एडिशनल बेनिफिट. तो ये सारे परक्विजिट्स आप पढ़ ले कि कौन से परक्विजिट्स टैक्सेबल है, उसका एक लिस्ट होगा, वो लिस्ट आपको इस शॉर्ट नोट में लिखना है. नेक्स्ट इज रेसिडेंशियल स्टेटस, जो रेसिडेंशियल स्टेटस है सेक्शन 6 का, उसके कंडीशंस थोड़े ध्यान से पढ़ लेना. उसका कंडीशन से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग तो कर ही सकते हैं, ऊपर से यहाँ से भी आप शॉर्ट नोट्स में भी उसको लिख के शॉर्ट नोट से रिलेटेड मार्क्स आपको मिल पाएंगे. नेक्स्ट इज द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, इन दोनों के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है. अगर आपने वो अभी तक नहीं चेक किया तो उसको चेक करें, बिकॉज एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस एक डायरेक्ट टैक्स का बेस है और जिसके बेसिस पे आप अपने बाकी के चैप्टर्स को भी इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे. सो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ शॉर्ट नोट विच कैन बी आस्क, या सेपरेट स्पेसिफिक शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, जैसे ATDD, ATU, ATTTA, ATC, उसके ऊपर इंडिविजुअल शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज हेड्स ऑफ इनकम. अभी हेड्स ऑफ इनकम क्या है, हेड्स ऑफ इनकम मतलब देर आर टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम. थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन सबके बारे में लिखना है, सैलरी के बारे में, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, बिजनेस प्रोफेशन के बारे में, अदर सोर्सेस के बारे में और कैपिटल गेन के बारे में. नेक्स्ट इज कैपिटल असेट्स, ये कैपिटल असेट्स आपको कैपिटल गेन के चैप्टर में मिलेगा कि कौन से असेट्स को कैपिटल असेट माना गया है और कौन से असेट्स को कैपिटल असेट कंसिडर नहीं किया गया है. तो दोनों को पढ़ के रखें ताकि आपको ये क्वेश्चन ईजी तरीके से आप एग्जाम में लिख पाएंगे. नेक्स्ट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, दिस इज फॉर हाउस प्रॉपर्टी. तो हाउस प्रॉपर्टी में जो 24 के डिडक्शन है एसओपी और एलओपी के लिए, उसके बारे में आपको यहां पे लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, तो दिस इज रिलेटेड विद प्योरली सैलरी चैप्टर. तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में 3 चीजें कवर होती है, एक है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन,
जो 40,000 के बेसिस पे कैलकुलेट होगा, 40,000 उसका वैल्यू होगा डिडक्शन का। नेक्स्ट इज आवर एंटरटेनमेंट अलाउंस जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाएगा, और नेक्स्ट इज प्रोफेशन टैक्स। नेक्स्ट शॉर्ट नोटिस डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेक्शन 54 और 53 कवर होता है। उसमें कितने पॉइंट्स को डिडक्टेबल किया गया है, लॉटरी है, रॉयल्टी है, उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज अलाउड बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो विच आर द इनकम्स विच आर अलाउड, एंड आप उसके साथ दूसरा डिसअलाउड वाला भी पढ़ के रखे, बिकॉज किसी पेपर में अलाउड पूछा गया तो किसी पेपर में डिसअलाउड भी पूछा गया। तो ओवरऑल ये आपके जितने शॉर्ट नोट्स हैं जो हर एक चैप्टर से मैंने निकाले, अगर आप इतना भी पढ़ के जाओगे तो इससे इजीली आप शॉर्ट नोट्स पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दिस इज द शॉर्ट नोट्स विच विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस सेमेस्टर 5 एग्जामिनेशन एज वेल एज ऑल द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस कंसर्न। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम में टेलीग्राम ऐप है, वहाँ से आप जाके इसका PDF ले सकते हैं। चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, चैनल का नाम है लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM, उसमें जाके ढूंढे और ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं इसका PDF शेयर कर लूँगा, सो दैट आपको ये सारे के सारे PDFs वहाँ पे मिलते रहेंगे। टिल देन एज ऑलवेज बाय बाय, वर्क हार्डर बी स्मार्टर।